देश ही नहीं पूरे देश को शर्मसार कर देने वाली रेवाड़ी गैंगरेप की घटना को लेकर भले ही SIT का गठन कर दिया गया हो, भले ही पुलिस विभाग गैंगरेप के दोषियों को पकड़ने के दावे करते ना थक रहा हो, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। एक आध ऑफिसर्स के फैमिली में ट्रेजिडी हो गई तो वो इस SIT से नहीं जुड़ पा रहे, उनकी जगह हम और ऑफिसर्स लगा रहे हैं। माय डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर सोहन पाल इज देयर एंड वन टीम व्हिच इज माय स्पेशल स्टाफ इन मेवा। SIT की ये कॉन्स्टिट्यूशन मैडम मेडिकल रिपोर्ट कन्फर्म्स रही। लड़कों का पता आपके पास है, लड़कों आइडेंटिफाई है, फिर अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार हो पाए? मेरी बात सुनिए, जैसे कि ये वारदात सामने आई, रेडिंग पार्टीज यहाँ के जो SP साहब हैं उन्होंने रेडिंग पार्टीज डिस्पैच कर दी थी। वो लड़के वारदात के सेम डे एज पर द मोबाइल फोरेंसिक्स निकल चुके थे। वी हैव मेड मल्टीपल टीम्स टू नैप देम। इस वक्त हमारी रेंज की इस SIT की सभी SPs की टॉप प्रायोरिटी है उनको नैप करना। मामले की गंभीरता को देख SIT की जांच अधिकारी SP मेवात नाजनीन भसीन आज सुबह रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने पीड़िता का हाल जानने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए अगले 2 घंटों में बड़ा खुलासा करने का दावा किया था। लेकिन पत्रकार वार्ता के दौरान SP ने सिवाय आरोपियों को पकड़ने वालों को 1,00,000 रुपए का इनाम देने और लोगों से अपील की घोषणा के अलावा कुछ नहीं मिला। आपके जरिए हम पब्लिक से अपील करते हैं कि किसी को किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो, कोई सुराग हो, जरूर हमसे इमीडिएटली संपर्क करके शेयर करें। नेक्स्ट हमने इसमें एक इनाम की घोषणा की है। इन लड़कों को जो पकड़वाएगा, जो सूचना देगा, जो हमारे केस को क्रैक करने में हेल्प करेगा, हम 1,00,000 रुपए का इनाम इनके सिर पर। ADGP दफ्तर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए SP नाजनीन भसीन ने कहा कि वारदात के तुरंत बाद रेवाड़ी SP द्वारा रेडिंग पार्टी गठित कर वारदात को अंजाम देने वालों की तलाश की जा रही है। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस हर संभव कोशिश में लगी हुई है। जहां तक पीड़िता का सवाल है तो बहरहाल उसकी हालत सामान्य है। इस वारदात में एक आर्मी पर्सन के शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उसकी भी जाँच की जा रही है। तो उन्होंने इमीडिएटली रेडिंग पार्टीज तो डिस्पैच कर दी थी। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, दैट हूएवर बी सस्पेक्ट शुड बी डिटेन्ड फॉर क्वेश्चनिंग। यस, दैट वाज डन। सेकेंडली द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम वाज डन विदाउट एनी डिले एंड इट वाज शी वाज प्रॉपरली अटेंडेड टू। दैट मच आई हैव एसर्टेन्ड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज टू मेक द विक्टिम कम्फर्टेबल and to take her statement in a sensitive way. So those things were done. And like I told you, the 160, after the medical examination, she was relieved, she was stable. And there was no delay in the 164 statement either. So all these aspects of investigation have been going on. गांव में हुए गैंगरेप की दूसरी घटना को लेकर भी पुलिस गंभीर है। उन्होंने कहा कि इस मामले में भी गांव में जाकर घटना की तह तक पहुंचेंगे और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। गांव में जाऊंगी मैं। हमारी सीन ऑफ क्राइम एक टीम विद द सीन ऑफ क्राइम एक्सपर्ट्स आर हैव ऑलरेडी बीन डिस्पैच्ड। इनफैक्ट टू डिफरेंट एक्सपर्ट टीम्स हैव बीन डिस्पैच्ड एंड आफ्टर एड्रेसिंग ऑल ऑफ यू आई एम आल्सो गोइंग टू गो देयर वेयर नॉट ओनली सीन ऑफ क्राइम एनालिसिस बट वहाँ मैं गांव के लोगों से, मेरा पूरा विचार है कि मैं वहाँ गांव के लोगों से मिल के पुरानी हिस्ट्री, पुरानी बातें, प्रेजेंटली किसी ने कोई देखा सुना, और जो ये बात सामने आई है जो आप कह रहे थे कि वो गांव में दिखे थे और धमकी दे रहे थे, ये बात एक सम पर्सन हैज ऑल्सो कॉल्ड मी अप एंड टोल्ड, तो उनको भी मैंने बुलाया है। बता दें, इतना बड़ा अमली जामा और सुरक्षा तंत्र होने के बावजूद हरियाणा की स्मार्ट पुलिस इस मामले में नाकाम साबित हुई और 78 घंटे बीतने के बावजूद पुलिस के हाथ दरिंदों तक नहीं पहुंच पाए हैं।